हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट फिजिक्स मींस भौतिक विज्ञान जो होती है उसके बारे में टॉपिक भी पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे और साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसके लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड है टॉपर्स50। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए कोड यूज़ करेंगे तो आपको उन पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो लेना चाहे ले सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। जिसको डेफिनेशन पढ़नी वो पढ़ सकता है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स में हम जो है आप कह सकते हैं कि फिजिक्स जो होती है एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं। नेचुरल फोर्सेज मीन्स लाइक लाइट है, साउंड है, हीट है, इन सब की के बारे में का जो अध्ययन होता है उसको आप भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। द्रव्य क्या है? उस वस्तु को यानी कि जो भी चीज़ स्थान घेरती है जिसका कोई भार होता है वो क्या है? द्रव्य है। ओके, द्रव्यमान क्या हो जाता है? द्रव्यमान मतलब मास। किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है और यह सदैव नियत रहता है। उसके बाद भार दिया गया है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो भार होता है, W=mg, m द्रव्यमान होता है और g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होती है। ठीक है, तो इन पे इतना फोकस नहीं करते, यहाँ से आते चलिए। देखिए भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को मेज़र किया, मतलब जिससे किसी चीज़ को मेज़र किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मीन्स जैसे हाइट है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये क्या है? सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है दिशा और प्रमाण के आधार पर और दूसरी होती है मात्रक के आधार पर। दिशा और प्रमाण के आधार पर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक अदिश होती है और दूसरी सदिश होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशि का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि और कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो हमें रटना नहीं है, हमें जस्ट जो यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक है, मतलब जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं उसको हम रटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी की, अदिश राशि की। इसमें क्या होता है? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वैक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, वो राशियाँ क्या हो जाएंगी? वैक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए दूरी है, दूरी 50 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। इस दूरी को बताने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस दूरी को बताने के लिए हमें किसी और डायरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एक वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड है, स्पीड में क्या हमें ये बताने की जरूरत है कि जो चाल है वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है? चाल है, चाल है। ठीक है, वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है हमें, ना कि डायरेक्शन की। ओके, तो डिस्टेंस हुआ, स्पीड हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम, आयतन, आयतन भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें भी हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और टाइम हो गया समय, समय जब जैसे बताना है 5 बज गए हैं, जैसे 5 बजे हैं, अब क्या वो 5 किसी डायरेक्शन में बजे हैं? नहीं, टाइम है वो, तो ऑब्वियस है जिसके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो क्या होती हैं? सदिश राशि होती हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्स हो गया, फोर्स मान लीजिए कोई भी चीज़ स्थिर है, अब फोर्स हमें किस तरफ लगाना है इसके लिए हमें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाऊंगी तो ऑब्वियस है जो भी चीज़ होगी वो उस तरफ सरक जाएगी। ठीक है, यहाँ से नीचे से अगर फोर्स लगाया जाएगा तो वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियस है हमें कोई ना कोई डायरेक्शन यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी हम जो है उस पर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है कि हमें फोर्स को अप्लाई कहां पर करना है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, संवेग है, या फिर
एंगुलर वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो इनको याद रखिएगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, बल मतलब फोर्स, ठीक है, और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, सदिश राशि हो जाएंगी। तो ये बस ये पता होना चाहिए कि कौन अदिश कौन सदिश। यहाँ पे ऊर्जा शक्ति ये सब भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। आप बस सिर्फ सोच के देखिए, अब जैसे यहाँ पे ऊर्जा कह रहा है, एनर्जी कह रहा है, एनर्जी के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत है, नहीं है, शक्ति के लिए, पावर के लिए नहीं है डायरेक्शन की जरूरत, तो ऑब्वियसली वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का मतलब क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। त्वरण एक्सेलरेशन, डायरेक्शन की जरूरत होती है, वेग वेलोसिटी में होती है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में होती है। ऊर्जा जो है ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए आ जाइए, दूसरा जो आता है वो है मात्रक के आधार पर। मात्रक के आधार पर वैसे हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम मूल मात्रक बोलते हैं। दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट, ठीक, जिसको व्युत्पन्न मात्रक, और एक और तीसरी होती है इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि पूरक जो मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये तीन होती हैं इसमें, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक यूज़ करते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड और एक सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो तीन याद रखिए। सबसे पहले हम मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्यों नहीं होती है, देखिए अगर मुझे किसी चीज़ का भार मापना है, ठीक है, मैं क्या बताऊँगी कि इसका भार जो है वो क्या है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, इसके लिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, ठीक है। किलोग्राम है तो किलोग्राम है, उसके लिए मुझे ये नहीं कोई फॉर्मूला उसमें यूज़ नहीं करना पड़े। तो जिस चीज़ के लिए मुझे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, वो जो यूनिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे आप सोच के देखिए, एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया हम क्या कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लेंथ की बात करूँ तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जब बात आती है एरिया की, एरिया के लिए हमें किसकी ज़रूरत चाहिए, लेंथ भी चाहिए, हमें ब्रेड्थ भी चाहिए, तो यानी कि एरिया किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो चीज़, जो मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और मात्रक की जरूरत ना पड़े, किसी और यूनिट की जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, इनको, इनके लिए हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है, जिसके लिए हमें किसी और मात्रक की आवश्यकता पड़े। जैसे मैंने एरिया बताया, एरिया के लिए हमें किसकी जरूरत है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ की, लेंथ की भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच चाहिए, यानी कि हाइट भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए। तो ऑब्वियस है वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किसी और क्वांटिटी पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनका मात्रक भी दिया है, जैसे क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा, चाल का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चाल का क्यों, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पे ये चीज मत कर देना कि हम ये भी तो करते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम जो होती है हमारी, या डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो दोनों ही क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मत अप्लाई कर लेना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये किसी और पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक। तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। चलिए एक और अब आता है, अब इसमें अगर मैं बात करूं फंडामेंटल यूनिट्स में, तो चार तरीके की पद्धतियां आती हैं। एक और चीज़ याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कभी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल कितनी होती हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है वो अगर आगे में भी ऐड हो, ओके, उसको देखेंगे। 7 यूनिट कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताती हूँ फिर, ठीक है। चलिए मात्रक की पद्धतियाँ दी गई हैं, अब यहाँ पे हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इनको मापने की अलग अलग पद्धति थी जो दी गई थी। तो देखिए सबसे पहले MKS पद्धति आ रही है, MKS सिस्टम, इसमें जो दूरी थी उसको किस में मापा गया, दूरी या लंबाई कह लीजिए, दूरी, लंबाई, डिस्टेंस जो भी है उसको मीटर में मापा गया।
द्रव्यमान को, द्रव्यमान मतलब मास, मास को किस में मेजर किया गया, किलोग्राम में मेजर किया गया, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, जो तीन पद्धतियां थी हमारी, चाहे वो सीजीएस है, एफबीएस है, एमकेएस है, इसमें टाइम को तो तीनों में ही सेकंड सेकंड में मापा गया है, लेकिन जो सीजीएस पद्धति है इसमें दूरी को मीटर की बजाय सेंटीमीटर में जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम की बजाय ग्राम में मेजर किया जाता है, और समय को सेकंड में। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है उसमें द्रव्यमान की, या दूरी की यूनिट क्या होती है, तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज, जो सीजीएस पद्धति है उसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, और साथ में मेट्रिक सिस्टम भी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यह पद्धति फ्रांस में प्रचलित है, तो इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है एफपीएस पद्धति, जिसको ब्रिटिश सिस्टम जो है बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी जो है इसको कहते हैं। इसमें जो हमारा डिस्टेंस था उसको मेजर किया जाता है फिट में, या फिट कह ले या फुट कह लीजिए, फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में किया जाता है, मास जो होता है, और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये अलग अलग पद्धति में आपको पता होना चाहिए किसमें किसको क्या मापते हैं। ओके, अब ये आपने देख लिया कि इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि भारत में जो है सीजीएस पद्धति जो है अपनाई जा रही है, और किसी और देश में जो है एमकेएस पद्धति अपनाई जा रही है। कोई भी देश ले लीजिए, इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, जो भी है, ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका ले लीजिए। चलिए, अब देखिए भारत से कोई चीज जो है अमेरिका गई है, लेकिन भारत ने जो उसका मान लीजिए कोई भी चीज, आप कोई भी ले सकते हैं, सोना है, चांदी है, वो भेजा है, कितना भेजा है, 200 भेजा है। ठीक है, 200 ग्राम भेजा है, लेकिन जब वो वहां पर जाएगा तो वो उस चीज को क्या समझेगी, क्योंकि वो किस द्रव्यमान को किस में मेजर कर रही है, किलोग्राम में मेजर कर रही है, तो वो 200 kg उसको जो है सोचेंगे कि ये 200 kg है, बट वो है एक्चुअल में कितना, 200 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 200 मेंशन है ना, कि ये 200 है, बट वो ग्राम भारत के अकॉर्डिंग है, लेकिन अमेरिका के अकॉर्डिंग वो क्या है, 200 किलोग्राम है। तो उसको लेकर जो था वो थोड़ा वो था कि ऑब्वियस है, इस चीज के लिए एक यूनिट का आना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसी के लिए एक यूनिट आई थी, एसआई यूनिट जिसको कहा गया था। ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या होती, फिर कंफ्यूजन होती। ठीक है, कि यहां पर ये था और उधर जाके जो है इसकी यूनिट जो थी वो दूसरी हो गई है, तो इसको लेकर एक वो थी, तो इसके लिए ही फिर एक यूनिट आई थी जिसको कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। ओके, आजादी से पहले भारत में यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी। 1 फुट जो था वो 30.48 सेंटीमीटर दिया है, 1 kg जो है 2.2 lbs दिया गया इसमें। ओके, एसआई पद्धति आई, देखिए 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया, और ये एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। एमकेएस पद्धति का परिवर्तित क्यों रूप है, क्योंकि एसआई में जो हमारा डिस्टेंस है उसको मीटर में ही मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, इसीलिए जो है इसको एक्सटेंशन माना जाता है एमकेएस की, एमकेएस सिस्टम की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। देखिए, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित है, जो मैंने आपको बताए थे कि इसमें जो है 7 यूनिट्स जो है आती है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले द्रव्यमान है, यानी कि मास है। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को मीटर में, लंबाई को, ठीक है, लेंथ, लेंथ कह सकते हैं आप इसको, लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। समय को सेकंड में। तापमान के लिए देखिए कौन सी होती है, केल्विन होती है। इनके याद रखिए जो सिंबल है वो भी पता होनी चाहिए, जैसे किलोग्राम है तो केजी हो गया, मीटर है तो एम हो गया, ठीक है, सेकेंड के लिए एस हो गया, केल्विन, केल्विन के लिए के हो गया। विद्युत धारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। एम्पियर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, सिंबल ए का यूज़ करते हैं। फिर ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता मीन्स ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो होती है इसको कैंडेला में जो है दिखाया जाता है, और कैंडेला को दिखाते हैं हम डी से डिनोट करते हैं। फिर आता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसको मेजर करते हैं मोल में, और इसका सिंबल जो दिखाते हैं MOL होता है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए। ये 7 जो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ओके, अब बात आती है, इसमें ऐड नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है। देखिए, अब हम सारी चीज़ों को, हमने यही सोचा कि हम सारी चीज़ों को इन 7 चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब हमें किसी चीज़ का एंगल फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ठीक है, कोई यह चीज़, मतलब कोई भी बंदा जो था यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस मेजर किया है,
ठीक है। ऑब्वियस है, ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सा कोण जो है बना रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए या जो भी एंगल जो ये बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, जो ये थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियस है कोई ना कोई कोणीय वेग तो होगा ही होगा। तो उसको निकालने के लिए जो था फिर और क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, यहाँ से हम उन चीज़ों को नहीं निकाल सकते थे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो चीज़ें आती है, एक प्लेन एंगल होता है और दूसरा सॉलिड एंगल होता है, ठीक। प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं समतल कोण, जिसको मापा जाता है किसमें, रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण, ठोस कोण को किसमें मापते हैं, स्टेडेरियन में, ठीक है, स्टेडेरियन। तो ये दो और थी, ये नहीं बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जब हमें इन यूनिट्स से काम नहीं चला तो दो यूनिट्स और आई थी, ठीक है, और ये किस लिए, इस एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो बस ये चीज़ और इसमें याद रखिएगा। फिर आते दूरी की मात्रक, अब कोई और भी दूरी की मात्रक है, क्यों है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कम है तो उसको मीटर सेंटीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या हम उसको मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। जैसे अब सूर्य और पृथ्वी की ही बात हम कर रहे हैं, अब सूर्य से लेकर पृथ्वी की जो भी डिस्टेंस है, क्या हम उसको मीटर या सेंटीमीटर में बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है इस उसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा वो बन जाएगा मीटर सेंटीमीटर में अगर हम बताएंगे तो। तो इसीलिए कुछ और यूनिट्स आई, जैसे खगोलीय यूनिट आई, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है, ओके, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है 1.4 × 10^11 मीटर। अब ये किलोमीटर में अगर हमें मुझे इसको लिखना है तो कितना हो जाएगा, 150 × 10^6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, मीटर में भी पूछ सकता है आपसे, किलोमीटर में भी पूछ सकता है, तो ये मीटर में होता है, ये किलोमीटर में होता है, ओके। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक। फिर आती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये भी क्या है, डिस्टेंस का ही मात्रक है, डिस्टेंस की ही यूनिट है लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है, ये किसमें, निर्वात में। और निर्वात में जो प्रकाश की दूरी होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी जो है ये बताती है। और वन लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर के, ओके, ठीक है। और फिर आता है पार्सिक, पार्सिक जो होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है माना जाता है। 1 पार्सिक बराबर होता है 3.08 × 10^16 मीटर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। आप 1 लाइट ईयर में देख सकते हैं ये वाला होता है, ठीक है, लेकिन 1 पार्सिक तो होता ही 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, तो इसीलिए पार्सिक को दूरी की सबसे बड़ा मात्रक जो है कहा जाता है, ओके। एक सेकंड में भी जो है लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, 1 सेकंड में कितना होता है, 3 × 10^8 मीटर होता है, ठीक है, और 1 लाइट ईयर 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर हो जाएगा, ओके। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है, किसका, पार्सिक का, ठीक है। चलिए चलिए, मोशन को पढ़ने से पहले कुछ और चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं ना कि 4 × 10^9 हो गया, जैसे 4 ग्राम था, 4 गीगामीटर था, ठीक है, 4 गीगामीटर था, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, गीगा की वैल्यू कितनी होती है, गीगा की वैल्यू होती है 10^9, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 4 × 10^9 मीटर, तो इसको हमें मीटर में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, या फिर डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि 10^-9 कितना होता है, या फिर नैनो की वैल्यू कितनी होती है, फेमटो की वैल्यू कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि एग्जाम में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। वेट, सॉरी, देखिए हम 10^-1 से शुरू कर रहे हैं। देखिए 10^-1 का मतलब क्या होता है, 10^-1 होता है डेसी, और डेसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, ठीक है। 10^-2 मीन्स सेंटी, सेंटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से, स्मॉल, ये इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें स्मॉल चलेंगी, ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है ज़रूर। 10^-3 है तो ये हो जाएगा मिली,
मिली मीन्स स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, 10^-6 माइक्रो, माइक्रो को म्यू से दिखाया जाता है यू करके और नीचे थोड़ा सा निशान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 10^-9, 10^-9 को बोलते हैं नैनो, तो एन से डिनोट करेंगे लेकिन स्मॉल एन से। फिर 10^-12 होता है जिसको हम बोलते हैं पीको, तो इसको स्मॉल पी बोला जाएगा, ठीक। 10^-15 होता है जिसको हम बोलते हैं फेमटो, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद 10^-18 होता है जिसको हम एटो बोलते हैं, ओके ए से करेंगे एट को। और 10^-21 जेप्टो होता है, और 10^-24 ये होता है योक्टो, ठीक। अब इसी के आपको किस में देखने हैं, प्लस में देखने हैं। जैसे यहां पे योक्टो था 10^-24, तो यहां पर 10^-24 अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, योटा हो जाएगा, योटा, ठीक है। 10^-21 है तो क्या हो जाएगा, जेक्टो की जगह जेटा हो जाएगा। 10^-18 एटो था, तो यहां पर प्लस में जब 10^-18 होगा तो क्या हो जाएगा, एग्जा हो जाएगा, एग्जा। फिर 10^15 होगा, 15 को बोलते हैं पेटा, और यहां पे आप कैपिटल से शो कीजिएगा पी को। 10^-12 पी को था, यहां पे क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा, टेरा। और 10^15 है तो 15 तो हम कर चुके, सॉरी 10^9 को बोला जाता है गीगा। 10^6 है तो इसको मेगा बोलेंगे। 10^3 को किलो बोला जाता है। 10^2 को हेक्टो बोला जाता है। और 10^1 को डेसी था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेका हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, और यहां से अगर आपसे कन्वर्ट करना आए तो ये आपको आना चाहिए। किस तरीके से आना चाहिए, ये भी मैं आपको देखिए क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। अगर मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 7 पिकोमीटर, 7 पिकोमीटर मैंने लिखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ मीटर में चाहिए, तो ऑब्वियस है मुझे पीको को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर हटाने के लिए इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पीको की वैल्यू कितनी होती है, 10^-12 होती है, तो 7 के साथ क्या लगा दूंगी, 7 × 10^-12 मीटर। तो ये जो है इसकी वैल्यू मीटर में निकल जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे आपसे कोई भी वैल्यू बोले, कोई भी वैल्यू बोले वो आपको रखनी है। तो ये याद रखिए, जब भी हमें प्रीफिक्स को हटाना है, प्रीफिक्स यानी कि ये P, ठीक है, इसको जब हमें हटाना है तो उसकी वैल्यू से क्या कर देंगे, हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और चीज होती है, मान लीजिए अगर मेरे पास होता 7 × 10^-12 मीटर को किसमें बदलूं, पीको मीटर में बदलूं, नहीं नहीं एक मिनट देखिए, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से होता कि मुझे 8000 मीटर दिया गया है और उस इसको जो है मुझे किस में बदलना है, इसको मुझे मेगा मीटर में बदलना है, नहीं सॉरी माइक्रोमीटर में, नहीं सॉरी वेट मीटर में है, मिलीमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए वहां पे हमने क्या किया था, प्रीफिक्स को हटाने पर उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था, यहां पे हमें प्रीफिक्स को लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जैसे 8000 को हम 8000 लिखेंगे, अब हमें किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में करना है, स्मॉल एम है तो मिली हो जाएगा, और मिली की वैल्यू क्या कितनी होती है, 10^-3 होती है, तो उसको क्या करूंगी मैं, डिवाइड करूंगी 10^-3 से, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8000 × 10^3 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 10^6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहां से कन्वर्ट होके हमें यहां से मिल जाएगा। जैसे एक और ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास है 16 मीटर, इसको आपको चेंज करना है पिकोमीटर में, पिकोमीटर में, ठीक है। अब 16 को 16 रखेंगे, पीको की वैल्यू कितनी होती है उसको डिवाइड करेंगे, पीको की वैल्यू होती है 10^-12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 × 10^12, क्योंकि ऊपर जाकर क्या होगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 16 × 10^12 पिकोमीटर जो है वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो ये चीज बस इसमें याद रखनी है, जब भी प्रीफिक्स को हटाया जाएगा तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब प्रीफिक्स को लगाना है तो उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे। ये दो चीज बस इसमें आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रीफिक्स होती है जो पावर ऑफ 10 हम बोलते हैं, ठीक। चलिए जी, अगला जो चैप्टर आता है वो आता है मोशन का, मोशन
देखिए गति, किसी वस्तु कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो गति कहलाता है। देखिए मोशन बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आप अगर खड़े हैं तो ऑब्वियस है वो मोशन नहीं है। अगर आप यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप वो क्या कहलाएगा, उसको हम मोशन बोलेंगे। यानी कि किसी चीज में जब टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, मोशन जो होता है ये तीन तरीके का होता है, तीन तरीके का। सबसे पहले सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति मीन्स रेक्ट लीनियर मोशन, ठीक है, इसको आप लीनियर मोशन भी जस्ट बोल सकते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, एक सीधी रेखा में जो मोशन होता है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है, वो सीधी सीधी चलती है, या किसी की परेड है, परेड में देखा होगा आपने, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, तो वो जो मोशन है वो क्या है, लीनियर मोशन है, ठीक है, सरल रेखीय गति है, जैसे वाहनों का रोड पर चलना, ये क्या है, लीनियर मोशन हो जाएगा। फिर आती है वृत्ताकार गति, यानी कि वर्तुल गति, इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में जो है गति करती है। वृत्ताकार गति को आप बोल सकते हैं रोटेशनल, रोटेशनल मोशन, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन हो जाएगी, पहिया है गाड़ी का, घूमता है, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। तीसरा आता है उसकी ऑस्किलेटरी मोशन, दोलन गति, ठीक है, पेंडुलम है जैसे, ये क्या होता है कि कोई चीज़ एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आती है और उस चीज़ को दोहराती रहती है, ठीक है। मान लीजिए पेंडुलम का ही एक आंसर दे रहे हैं, पेंडुलम जो है एक बार यहाँ पे जाएगा, फिर वापस वहाँ से, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस वहाँ जाएगा, इस तरीके से एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जब वो वापस अपनी पोजीशन पर आती है उस गति को क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोला जाता है, यानी कि दोलन गति उसको बोला जाता है। तो तीन तरीके के गति जो है होती है, ठीक। चलिए अब बात आती है यहां पे स्पीड की। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है स्पीड क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस जितने टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम मैथ में पढ़ते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चाल को v से क्यों डिनोट किया गया, चाल और वेलोसिटी, ठीक है, चाल और वेलोसिटी जो है, स्पीड और वेलोसिटी जो है यहां पे लगभग लगभग सेम होती है, ओके, तो इसीलिए चाल को v से डिनोट किया गया है, v इक्वल टू s बाय t। और s यहां पे क्यों है, क्योंकि s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये लगभग लगभग सेम होती है, वो कैसे सेम होती है हम आगे जानेंगे, तब आप जाके जो है v और s t का जो है ये कॉम्बिनेशन समझ पाएंगे कि क्या होता है। अदरवाइज हमने पता है, हमने मैथ में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये मैथ में नहीं चलता है, बट एक देख लेते हैं कि कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की ही बात करते हैं सबसे पहले, तभी हम डिस्प्लेसमेंट को समझ पाएंगे जब हम डिस्टेंस को जान लेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, जो तय की गई दूरी होती है, ठीक है, जो तय की गई दूरी होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। टोटल टाइम जिस चीज को, या कह लीजिए कुल तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, या कुल तय की गई जो पथ की लंबाई होगी, मतलब मान लीजिए वेट, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, अब यहां से यहां, और एक है यहां से यहां, ठीक है। जब कोई बंदा ए से बी तक जब जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, कुल तय की गई दूरी है। हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस इतना है, ये भी तो हो सकता है ना कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो इससे भी छोटा हो, जैसे ये 100 मीटर का है, ठीक है, हो सकता है ए बी के बीच कोई रास्ता 50 मीटर का भी हो, तो हम यहां पे ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ए से बी की दूरी 50 मीटर है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस उसने पूरा किया है, यानी कि जो दूरी उसने तय की है वो तो 100 मीटर है, क्योंकि उसने दूसरा रूट ले लिया ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो जो वाकई में जो दूरी तय की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है, जो किसी भी दूरी को तय करने में जो एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम जो लगता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखिए एक 100 मीटर है, एक 50 मीटर है, तो मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए से बी के लिए 50 मीटर, तो ये 50 मीटर इसमें क्या हो जाएगी, 50 मीटर इसमें हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट,
क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज बस इसमें याद रखनी है, ओके। और जब भी कोई वस्तु लीनियर गति में जब मोशन करती है, मतलब लीनियर गति होती है किसी भी उसकी, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? मान लीजिए एक सड़क है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है, और इसकी जो दूरी है वो टोटल 100 मीटर है, ठीक है। ये ए है, बी है, ओके। अब ए से बी तक जो दूरी तय की गई वो कितनी है? 100 मीटर है, ठीक। अब बात आती है, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी तक शॉर्टकट भी यही है, तो यहां पर क्या हो गया? क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखीय गति है, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है जब सरल रेखीय गति है। जब तक क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं गया है कि वो जो भी मोशन है वो वर्तुलाकार है या दोलन गति है, तो हम हमेशा उसको क्या मानेंगे? कि वो सरल रेखीय गति में है, ठीक है। यानी कि जो भी मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन है, ठीक है। तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो वेलोसिटी और हमारा क्या बचता है फिर? स्पीड, वो भी बराबर होंगे। क्योंकि क्योंकि क्यों बराबर होंगे? देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो ऑब्वियस है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी तो बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज इसमें आपको समझनी थी। इसीलिए जो है हर एक जगह आप साइंस में जब आप देखेंगे वी इक्वल टू एस बाई टी आपको मिलेगा, कहीं पर भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको कहीं पर गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये चीज आप याद रखिए। तो यहां पर कहीं पर आपको चाल दिया गया है तो हम हमेशा वहां पर क्या मानते हैं? मान लीजिए न्यूमेरिकल में कोई चाल गिवन है तो हम वहां पर क्या मानेंगे? उसकी वेलोसिटी मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? वेलोसिटी मानते हैं। तो ये चीज इसमें याद रखिएगा बस, ठीक। आगे आप देख सकते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। अब देखिए, हमने पढ़ा था जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी डायरेक्शन की। लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए एक ए पॉइंट है जिससे मैंने 3 मीटर की दूरी तय की, फिर मैंने 4 मीटर की दूरी जो है तय की, तो यहां से यहां तक लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो मैंने दूरी तय की है उसको क्या बोलूंगी मैं? डिस्टेंस बोलूंगी। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया यहां पर? 7 मीटर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बात आए डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा। अब एक चीज याद रखिए, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक ही तो होगा, 4-5 तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ऑब्वियस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा वो पाथ। तो यहां से यहां तक जो पाथ बनेगा वो कितना आएगा? 5 मीटर का आएगा। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। इसीलिए कहा गया है कि जो डिस्टेंस होता है वो उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये चीज बस इसमें याद रखिएगा, जैसे इसमें बताया गया है बिल्कुल यही एग्जाम्पल लेके। दूरी 7 सेंटीमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी निकल रही है? 5 सेंटीमीटर आ रही है, ओके। होप सो समझ आया होगा आपको ये चीज, ठीक है। वो बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे, स्पीड और वेलोसिटी बराबर आएगी। चलिए, वेग, हाँ वेलोसिटी हो गया। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, वही हो गया फिर ये, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, सॉरी, तो वी इक्वल टू एस बाई टू आ जाएगा। चाल और वेग में अंतर बताया गया है कि जो स्पीड होती है वो एक अदिश राशि होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो याद रखिए, चाल और डिस्टेंस क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी। वेग और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि चाल में सिर्फ वस्तु की चाल मापी जाती है और वेग में इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है वेग का। तो बस ये चीज़ें इसमें याद रखिएगा। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, इस सारी चीज़ों से हमें एक चीज़ और समझ आती है कि जो डिस्टेंस होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बराबर क्यों होगा? जब वो लीनियर मोशन में है, ठीक है, जो भी गति हो रही है वो लीनियर उसमें हो रही है, तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो डिस्टेंस से कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये केस अगर आपसे पूछा जाता है तो ये तीन चीज़ें इसमें आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए जी, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन।
ओके, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, और वेग में कमी हो रही है तो यह ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन भी कहा जाता है, और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखिए यहां से फॉर्मूला निकालते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और किसके अब मतलब बाई में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहां से इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके सॉरी, इसका अगर हमें एसआई मात्रक निकालना है, अब मुझे पता है जो वेलोसिटी का मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से ही होता है ना, बट यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड लेंगे। ठीक है, और टाइम कितना होता है, सेकंड होता है, तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकलेगा, मीटर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। कैसे आती हैं दो चीज़ें एक्सेलरेशन में? मान लीजिए जैसे बाइक है, बिल्कुल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक खुद की एक वेलोसिटी होती है। जब हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका वेग भी जो है वो बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे वो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये होता है जो वेग में चेंज आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब पहले वेग जो था ये 4 था, फिर ये बढ़कर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, और ये दो मान लीजिए 2 मिनट या टाइम में हुआ है, तो कितना चेंज हो गया, 4 था, 4 तो इसमें चेंज हुआ है, और टाइम कितना लगा है, 2 लगा है, तो 2 का जो है उसमें चेंज हुआ है। तो इस तरीके से जो आप एक्सेलरेशन अगर क्वेश्चन आता है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या एक सदिश राशि है, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे देखिए, एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही है वस्तु। ओके, ये समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में जो दिया गया है आप उसमें वो इक्वेशन फिट कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके में V दिया है, U दिया है, A दिया है, T दिया है, तो वहाँ पर आप S को नहीं लगाएंगे। पहले समझते हैं कि V क्या होता है। V हो सबसे पहले U की बात करते हैं। U होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। U को हम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसको कहा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी थी उससे बात हो रही है। अब अगर मैंने उस वेलोसिटी को बढ़ा दिया है तो लास्ट में जाकर जिस वेलोसिटी पे वो रुकी है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल, मतलब रुकी नहीं, वो जा रही है, उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज होने के बाद। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम होता है, एस मतलब डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। ठीक है, तो जहां पर दूरी दिया होगा तो वहां पर दूरी का मतलब एस ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम एक लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये तीन फॉर्मूले है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2 ए एस। तो ये तीनों आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सा जो है समीकरण होता नहीं है। चलिए, एक समान गति का तात्पर्य कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ओके, महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, स्पीड इक्वल टू। अब ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में या डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये तीनों तो वही है, घूम फिर कर। औसत चाल, अब एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी तो कुल दूरी कुल समय, चलो ये तो पढ़े हुए मैथ में, ये वाला वाली तीन जो है इक्वेशन आपको याद रखनी है। देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर टी सेकंड में चक्कर पूरा करने में चाल कितनी होगी, तो 2πRt हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अगर आर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर पूरा चक्कर अगर कंप्लीट करेगा तो मतलब क्या है उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि, परिधि कितनी होती है 2πr, और उसको टाइम भी बता रहा है टी सेकंड में चक्कर पूरा करने पर, तो अपॉन में टी कर दीजिए, वो आ जाएगा 2πr/t। रटने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है सिर्फ वही हमने इसमें लिखा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चलिए, ओके, एक और चीज़, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आता है और आपसे उसमें पूछा जाता है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि कोई वस्तु जो है विरामावस्था से प्रारंभ होती है, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी हम उसमें कितनी मान लेंगे,
देखिए, अगर वो आपसे सिर्फ इतना कह रहे कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होती है, तो आप यहां पर यह मत सोचना कि अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी तो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या माने, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो, जहां पर ये वाली चीज बोली गई हो। तो कोई भी चीज जो अपनी रेस्ट पोजिशन से शुरू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब ये चीज भी आप याद रखिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, कोई उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जब वो ऑब्जर्व करने लगा उसको, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो ऑलरेडी 10 पे थी। ठीक है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होती है। फिर बात आती है कि कुछ समय बाद कोई चीज या गाड़ी है रुक जाती है। ठीक है, रुक जाती है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कोई रेस्ट से शुरू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कहीं पर जाकर कोई चीज रुक गई है तो वो वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं है, मान लीजिए अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि इतनी है 6 मीटर पर सेकेंड जो भी है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी 6 है, लेकिन किसी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी इतनी है, बट उसमें दे दिया गया है कि ये चीज वहां जाकर रुक जाती है, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी आप क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, देखिए दिस इसमें v इक्वल टू यू प्लस एटी है, अगर यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो v किसके बराबर आ जाता है? u के बराबर आ जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है उसमें, तो जो पहले थी हमारी वही की वही रहेगी ना, हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ इसमें। एक्सेलरेशन है क्या? जो चेंज होता है वेलोसिटी में, ठीक है, तो वही एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो दोनों क्या रहेंगी? इक्वल ही रहेंगी। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेलगाड़ी चल रही है, उसमें बैठे यात्री किस किस वस्तु की अपेक्षा स्थिर हैं? ओके, तो इसमें हो जाएगा अन्य यात्रियों व रेलगाड़ी में रखे सामान की अपेक्षा क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति निरंतर बदलती रहती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? कोई चीज अगर अपनी जगह को बार 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 चेंज कर रही है तो क्या कहेंगे? गति अवस्था में है ना, गति अवस्था में बोलेंगे। स्थिर तो कब होगी? जब वो एक जगह पे ठहर जाएगी। ठीक है, विराम अवस्था भी वही हो जाएगी कि वो रुकी हुई है चीज, लेकिन जब वो निरंतर बदल रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो क्या होगा? गति अवस्था हो जाएगा। ठीक है, किन में स्वेच्छा से अपनी इच्छा से गति? सजीवों में होती है, निर्जीव में थोड़ी ना होती है। मान लीजिए कोई वस्तु, कोई टेबल है, यहाँ पे निर्जीव है, वो तब तक अपने आप तो नहीं हिल सकती, जब उस पर कोई फोर्स लगाएगा तभी तो जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी ना, तो वो अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकती। तो सिर्फ सजीवों में जो है अपनी इच्छा से गति होती है। किसी वस्तु द्वारा अंतिम व प्रारंभिक स्थिति यानी कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो विस्थापन यहां पे हो जाएगा। जिन राशियों को केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जिनमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको अदिश राशियां बोलेंगे, अदिश राशियां बोला जाएगा उसको। ठीक है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। कौन सी राशि सदिश नहीं है पूछ लिया गया। अब इसमें सदिश मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो घनत्व नहीं है, आयतन जो होता है वो नहीं है, बाकी जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तीनों की तीनों क्या है? डायरेक्शन की जरूरत है, क्या रहेंगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, घनत्व नहीं होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो त्वरण एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, जब कोई वस्तु समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? असमान दूरी तय कर रही है तो उसको असमान चाल ही बोलेंगे। कौन सी असमान चाल है? स्टेशन से छूटती रेलगाड़ी की गति। ओके, यहां पे कैसे कह रहा है ये कि जो रेलगाड़ी की गति है वो कहीं पर कहीं कहीं पर ज्यादा हो सकती है, हमेशा सेम रहे वो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम की गति है, अगर वो एक गति में चल रही है तो वो उसी गति में चलती रहेगी ना। ठीक है, तो स्टेशन से छूटती हो जाएगा। पृथ्वी की गति है, अब वो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम तो नहीं होगी, जो पृथ्वी की गति है वो वही की वही रहेगी, चंद्रमा की गति वही की वही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या रहेगा? रेलगाड़ी की जो गति है हो सकता है कहीं पर ज्यादा तेज हो, कहीं पर कम हो, होता है। ठीक है, तो वो असमान चाल हो जाएगी। आगे कह रहा है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे क्या कहा जाता है? त्वरण समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्सेलरेशन
वेग की दिशा में हो, यानी कि एक्सेलरेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा इसको, तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर डिक्रीज हो रही है, अपोजिट में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखिए वेग दिशा के विपरीत में हो तो उसको ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज पर फोर्स उसकी जाने दिशा की तरफ ही लगाएंगे तो ऑब्वियस है ना, एक्सेलरेशन अगर आप एक दिशा में लगाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर उसको दूसरी तरफ खींचेंगे तो ऑब्वियस है वहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग की परिवर्तन की दर बोल रहा है ये, तो उसको हम त्वरण बोलेंगे। ठीक है, अगला है चाल का एसआई मात्रक क्या है। चाल स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम मीटर में मानते मापते हैं, टाइम को हम सेकंड में मानते हैं, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इनका जो फॉर्मूला होता है ना वहां से आप इनके सही वो जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूरी चाल तथा समय में, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय होता है, बिल्कुल सही है। ओके, किसी विशेष दिशा में वेग की कमी, वेग की कमी, वेलोसिटी कम हो रही है तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु में त्वरण कैसा होगा, तो यहां पर शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आपको पता है अपनी अक्ष पर घूमती है, जैसे आपने ग्लोब वगैरह देखा होगा ना, तो ग्लोब में जब हम देखते हैं तो ऊपर एक अक्ष, एक कील के द्वारा जो है इस तरीके से ग्लोब जो है होता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, वो घूमता रहता है, तो जब भी अक्ष पे वो घूमता रहेगा तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली शून्य हो जाएगा। तो जब भी बात अक्ष की आती है ना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दूसरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार कम हो रहा है, एक बार ज्यादा घूम रहा है, पृथ्वी तो अपने अक्ष पर जो घूम रही है वो एक ही उसमें तो घूमेगी, उसकी जो सेम होगी गति उसी में घूमेगी वो, ना कहीं पर ज्यादा होगी ना कहीं पर कम, क्योंकि वहां पर कोई ट्रैफिक वगैरह थोड़ी होगा कि कभी पृथ्वी की गति जो होती है वो कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर शून्य रहेगा त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रही है तो उसकी गति कैसी होगी, त्वरित होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, नीचे की ओर ढाल वाला वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है, नीचे की ओर ढाल वेग वाला समय मंदन गति को, ठीक है, स्पीड जो है कम होगी। ओके, यदि कोई कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल पूछा है, तो क्या था औसत चाल का, टोटल जो औसत चाल हमने पढ़ा ना, कुल दूरी अपॉन समय, 80/2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस था और घंटे में हमारा टाइम था, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिया गया ना उसी को तो हम लेके आएंगे। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर है तो यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु जो है वो क्या है, समान विरामावस्था में रुकी हुई है, क्योंकि वो एक्स अक्ष के समानांतर है, वहां से नहीं आगे जा रही है, तो वो विरामावस्था में हो जाएगी। ओके ओके, मीटर पर सेकेंड स्केयर किसका मात्रक है। ओके, चाल का नहीं होगा, चाल का क्यों होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, वेग का भी सेम होता है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मात्रक सेम आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, विस्थापन क्या क्या होता है, विस्थापन का तो सिर्फ मीटर होता है, क्योंकि डिस्टेंस का भी मीटर ही होता है। अब बचा क्या, त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, त्वरण क्यों हो जाएगा, देखिए बताती हूं मैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ऊपर क्या आएगी हमारी वेलोसिटी, और किसके बाय में, टाइम में, यानी कि टाइम के साथ जो चेंज होती है वेलोसिटी वो। अब वेलोसिटी का मात्रक क्या है, वेलोसिटी का मात्रक है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, हाँ मीटर, मीटर्स, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ले रहे हैं ना, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और टाइम एक और क्या है, सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, एम एस 2 हो जाएगा ना, ये मीटर सेकंड स्केयर हो जाएगा, तो विस्थापन जो सॉरी त्वरण जो है यहाँ पे निकल जाएगा, त्वरण का। ठीक, वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड, और टाइम भी है फिर उसमें, तो सेकंड और लग गया, तो मीटर पर सेकंड स्केयर जो है हो जाएगा। ओके, ये आगे दिया गया, फिर आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, आप सुबह 8 बजे स्कूल गए और दोपहर 2 बजे घर वापस लौट रहे हैं, तो आपका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर दूर है। ओके,
तो देखिए फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे वेलोसिटी आपको गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए एक बार, क्या कह रहा है कि आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, ये 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आप सुबह 8 बजे स्कूल गए और दोपहर 2 बजे घर वापस लौट आए, तो आपका विस्थापन पूछ लिया कितना होगा। अब ए से बी तक हमने जो 5 किलोमीटर पढ़ा वो तो क्या है, डिस्टेंस है ना, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब यहां पे आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए था, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 8 बजे स्कूल गए और दोपहर 2 बजे वापस घर आए। वो लौट के कहां पर आया, वो ए पॉइंट पर ही आया है, तो ऑब्वियस है दोनों ही पॉइंट क्या है, ए है, स्टार्टिंग भी और फाइनल पॉइंट भी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही तो विस्थापन होता है। तो जब ए ही पॉइंट है तो विस्थापन शून्य ही तो हुआ, तो शून्य जो है यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य इसीलिए जो है आया है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो शून्य हो जाए। अगर वो आपसे कहता ना कि ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है, तो बताइए यहां से उसका विस्थापन कितना होता, तो यहां से भी विस्थापन आप बता सकते, ए से बी का विस्थापन फिर जितना डिस्टेंस होता उतना ही उसकी डिस्प्लेसमेंट निकल जाती 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे शून्य हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये मैंने आपको बताया ही था प्रकाश की चाल लाइट ईयर जो हमने पढ़ा था, सेकंड में 3 × 10⁸ होती है, और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9 × 46 × 10⁵ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ओके मीटर, ओके हाँ 3 × 10⁸ मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चलिए जी आगे जो आता है वो आता है फोर्स का, बल क्या होता है। मोशन हमने पढ़ लिया है तो फोर्स पे पहुंचते हैं, फोर्स क्या होता है। देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु टेबल है, इस पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद इसकी क्या होती है, पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक। फिर न्यूटन्स के लॉ आए इसी से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन आता है कि किस बुक में जो है न्यूटन ने अपने तीनों लॉ दिए थे, तो 1687 में न्यूटन की एक बुक आई थी प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, ठीक है, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, इसमें जो थे न्यूटन ने तीन लॉ जो थे दिए थे मोशन के। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई वस्तु अपनी रेस्ट पोजिशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था जिसको जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्यों कहती है इसको, मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो ऑब्वियस है वो अपनी जगह पे थी, जगह पे ही रहेगी, ठीक है, तो मतलब डट के खड़ी है वो, तो यहां से आ गया जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पूछा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया किस उससे आया था, तो फर्स्ट नियम से जो था लॉ ऑफ इनर्शिया निकल के आया था, तो ये जड़त्व का नियम होता है। ओके तो यही बताया गया है कि वस्तु अपनी विरामावस्था सरल रेखा के अनुरूप एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती जब तक उस पर कोई भी असंतुलित बल जो है वो फोर्स कार्य ना करे, तो ठीक है। जड़त्व क्या है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व कहा जाता है, ठीक। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्वितीय नियम से जो था वस्तु का संवेग व उसके द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है, उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की अर्थात पी इक्वल टू एम यू होता है। सेकंड लॉ को समझने से पहले एक और, ओके चले एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। अब लॉ ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो आया जड़त्व का नियम, ये भी 3 तरीके का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि कोई चीज अगर उसमें है जड़त्व पोजिशन में है, ठीक है, तो उसका एक नियम है। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन है कि जब कोई चीज गति में है तो उसका क्या नियम है जड़त्व का, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मोशन,
ठीक है, ये हो गया जड़त्व का गति का मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जड़त्व का दिशा का नियम। तो ये तीन जो है नियम होते हैं इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस तरीके से काम करता है, जैसे पेड़ है, पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़ा है, जब हम उसको हिलाते हैं, पेड़ को हिलाते हैं तो क्या गिरते हैं, फलों का गिरना। जब पेड़ के हिलने से फल गिरते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है, फोर्स जो है लग रहा है। ठीक है, तो पेड़ के हिलाने पर फलों का गिरना इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जांपल देकर, या फिर रोलर कोस्टर की जो राइड होती है, जैसे ही हम उसमें बैठे, जैसे ही स्टार्ट होगा तो अचानक जो भी उसमें बैठा होगा वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट वाला जो है वो लगेगा। ठीक है, तो रोलर कोस्टर की राइड स्टार्ट करने पर अचानक पीछे गिरना, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वो किस पोजिशन में था, जड़त्व की पोजिशन में था, विरामावस्था में था। या फिर घोड़े के दौड़ने पर, जैसे घोड़ा खड़ा है, ठीक है, अब उस पर जो भी सवार था वो बैठा, जैसे ही घोड़ा दौड़ने लगेगा तो जो सवार होगा वो किस तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन क्या, मतलब कोई चीज गति में है, ठीक है, और जैसे ही वो स्टॉप होगी उस वक्त क्या होगा, मान लीजिए बस है, ठीक है, कोई बस चल रही है तो उसमें जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो भी क्या है, मोशन में है, वो भी तो खुद को मोशन में ही समझते हैं। तो जैसे ही बस एकदम से अचानक क्या होगी, रुकेगी, तो जो भी उसमें बैठा है वो किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो किसी भी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं सीट बेल्ट है, जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जब एकदम से अचानक से ब्रेक लगता है तो हम किस तरफ जाते हैं, आगे की तरफ ही तो गिरते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरी चीज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आपने बाइक रेसिंग देखी होगी, ठीक है, जब बाइक रेसिंग पे, रेसिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे मोड होते हैं, जब वो इस तरीके से जो भी बाइक को चला रहा है, जब वो उस मोड से मुड़ता है तो आपने देखा होगा कि उसकी बाइक जो है वो एक साइड को बिल्कुल झुक जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब वाहन मोड पर मुड़ता है तो चालक का एक और झुकना क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, या बारिश से बचने के लिए हम जो हम छाते का उपयोग करते हैं, अब देखिए हम छाते का उपयोग उसी डायरेक्शन में तो करते हैं जहां से बारिश आ रही होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बारिश कहीं और से आ रही है और छाता हमने किसी और डायरेक्शन में किया हुआ है। ठीक है, और ना ही छाता ऐसा है कि अपने आप से अपनी पोजिशन को चेंज करेगा। ठीक, तो बारिश से बचने के लिए छाते का जो उपयोग करते हैं वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब एक दूसरी साइड से आ रही है तो हमने उस तरफ छाता कर लिया, किसी और तरफ से आ रही है तो उस तरफ कर लिया, बिल्कुल ऊपर से आ रही है तो हमने सीधा कर लिया छाते को। ठीक है, तो बारिश से बचने के लिए जो छाते का उपयोग किया जाता है वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, देखिए पीछे की तरफ जब हम जाएंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आगे की तरफ जब हम गिरेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन की एक दिशा में जब हम झुकेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। अब यहीं से एक और टर्म आती है, ये हमारा लॉ ऑफ मोशन जो फर्स्ट वाला था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से दो टर्म और पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले, ये जो हमने दिया द्वितीय नियम, इसको पढ़ने से पहले हमें एम वी भी तो पी भी तो पता होना चाहिए कि पी क्या होता है। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले हमें पढ़ना है एक मोमेंटम पढ़ना है, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं संवेग, संवेग, और दूसरा होता है हमारा इंपल्स, आवेग। ठीक है, ये देखते हैं क्या होते हैं आवेग। ओके, संवेग क्या होता है, संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो पी से। ठीक है, संवेग को किससे डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब किसी चीज का जो द्रव्यमान होता है और उस पर जो वेग लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी जो है यहां से निकल के आता है। तो P इक्वल टू एम वी, यहां से ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, मास क्या होती है, एक वेक्टर, सॉरी मास नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मास है किलोग्राम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका जो मात्रक हो जाएगा मोमेंटम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, आप इसका मात्रक जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब बात आती है इंपल्स की, कि इंपल्स क्या होता है, तो जो चेंज होता है मोमेंटम में, जो चेंज होता है मोमेंटम में उसको हम बोलते हैं आवेग। जैसे कोई वस्तु जिसका मास जो भी है उसको, कि जो वेलोसिटी थी वो यू थी,
फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगी कि यहां पर मोमेंटम कितना था, mu था, और यहां पर मोमेंटम कितना है, mv है, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है pf। ठीक है, मोमेंटम ये फाइनल है, तो इंपल्स यहां पर क्या बन जाएगा, इंपल्स को आई से डिनोट कर रहे हैं, तो इंपल्स हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जो यहां पर चेंज हुआ है, यहां पे एक चीज याद रखनी है, अपोन में टाइम नहीं आएगा, अपोन में टाइम नहीं आएगा। ठीक है, वो किसमें था, एक्सेलरेशन में, जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा था वो था। इंपल्स में सिर्फ फाइनल और इनिशियल के बीच में, फाइनल और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम इंपल्स बोलेंगे, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यहीं से आता है, पी इक्वल टू एम वी। ओके ओके, अब देखिए फोर्स की बात कर रहे हैं हम, फोर्स, फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी होता है, फाइनल और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल में जो चेंज होता है। अब फोर्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम तो आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम भी तो है, तो साथ में टाइम और लगा दीजिए, एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, फाइनल और इनिशियल, और अपॉन में आ जाएगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, सॉरी नोट कीजिए, अब फाइनल में जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज़ है, पहले उसकी स्पीड mu थी, यानी कि प्रारंभिक थी, फिर उसकी फाइनल आ गई। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल कौन सी है, mv है, mv माइनस mu बाई टी, ये f के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे f इक्वल टू m को मैंने ले लिया बाहर, v माइनस u बचा, और बाई में टी था, बाई में क्या था, टी था, तो v माइनस u बाई टी, ये क्या है, देखो ये वाली चीज, v माइनस यू बाई टी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन बोला जाता है, पढ़ चुके हम पहले ही, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो f इक्वल टू एम में निकल गया ना, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए पहले हमने क्या बोला, p इक्वल टू एम वी होता है, यही पढ़े रहे थे ना, p इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, फिर हमने यहां से फोर्स का निकाला, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन देखिए फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, बट जब हम इस मोमेंटम में से इस फॉर्मूले को रख के देखेंगे, तो वी माइनस यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपोन में टाइम आ रहा है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स की यहां से एक कह सकते हैं डेफिनेशन या जो भी फॉर्मूला था, वो सेकंड लॉ जो था न्यूटन का, वहां से निकलकर आया था। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। ओके, चलिए, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स का यहां से मात्रक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेट एक मिनट, देखिए फोर्स मैंने क्या पढ़ा, एम ए पढ़ा है, चलिए करते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और एक्सेलरेशन को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में, स्केयर में नापते हैं, या तो मीटर पर सेकंड स्केयर लिख लो, या इसको लिख लो किलोग्राम मीटर बाय स्केयर। और यही क्या होता है हमारा फोर्स की, फोर्स का मात्रक और क्या आता है, न्यूटन आता है, तो यही न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यही न्यूटन हो जाएगा। सीजीएस में क्या होता है इसका मात्रक, डाइन होता है। ओके, डाइन, डी वाई एन ई, डाइन, और डाइन को कैसे लिखते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाय स्केयर। यहां पे किलोग्राम की बजाय ग्राम हो जाएगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटे में स्केयर रहेगा, ये डाइन की हो जाएगी। इसको एक को डाइन बोला जाएगा, एक न्यूटन, और दोनों एक किसकी होती है, फोर्स की होती है। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। फिर तीसरा नियम है, ये भी देखते हैं, देखिए आगे आगे न्यूटन थर्ड लॉ है, गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यह दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर जो है कार्य करती है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक्शन का जो है रिएक्शन होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब बंदूक से गोली निकलती है, तो जो बंदूक को चला रहा है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, ओके, और गोली जो होती है वो आगे की तरफ जाती है। तो ये जो उदाहरण है, ये किसका हो जाएगा, थर्ड नियम का जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पानी में मान लीजिए कोई नाव खड़ी है,
उस नाव पे से जो भी बंदा है वो जब कूदता है जमीन पर, तो नाव क्या होती है, वो पीछे की तरफ जो है हट जाती है, या रॉकेट का जो उड़ना होता है, ठीक है, पहले जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, देन ऊपर की तरफ जो है रॉकेट जाता है। तो इन सब में क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है संतुलित बल और असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे विभिन्न बलों का परिणाम शून्य हो तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं, और अगर जो परिणामी बल शून्य ना आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, असंतुलित बल जो है इसको कहा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि परिणाम शून्य हो, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, अगर वो वस्तु वहीं की वहीं रही, उसकी गति जो है वो चेंज नहीं हुई, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जहां थी वहीं पर है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो परिणामी बल होगा यानी कि जो फोर्स आपने लगाया है वो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, संतुलित बल होगा, ठीक है। लेकिन असंतुलित बल क्या है, जब आप उस चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्थिति है उसमें चेंज आ रहा है, परिवर्तन हो रही है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे चली गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है संतुलित बल और असंतुलित बल, तो ये चीज थी इसमें। चलिए जी, इसमें देखिए सूत्र है एफ इक्वल टू एम ए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से है, मास इंटू एक्सेलरेशन ये आया है, ओके। अब ये वही इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू ए एस। तो ये तीनों इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, यहीं से जो है ये आता है। देखिए एक्चुअल में हमने इक्वेशन पढ़ी थी वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, और यहाँ से इसको चेंज कर दिया गया है, माइनस इधर आ जाएगा तो 2as आ जाएगा, तो वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं उसको चेंज, ओके। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान और उस पर जो वेग लगता है वो क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। फोर्स देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पी टू माइनस पी टू, पी वन टी टू माइनस टी वन, इस तरीके से हो जाएगा। और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, और न्यूटन की वैल्यू किस तरीके से आती है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। चलिए न्यूटन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होगा, उसकी गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं, किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्केयर, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहा जाता है। वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। घर्षण बल वस्तु की गति को क्या करता है, घर्षण बल वस्तु की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। न्यूटन द्वारा दिए गए गति के मौलिक नियम तीन है, गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्वकारी नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहना कौन सा नियम कहलाता है, तो इसको संवेग संरक्षण नियम जो है बोलते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर उस आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है, यह न्यूटन का कौन सा है, दूसरा नियम, जहां से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, ओके। संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई मात्रक पूछा है, मोमेंटम होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एम एस हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर ये जो होती है फोर्स की होती है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। एक किलोग्राम सहती की वस्तु पर वन मीटर पर सेकंड स्केयर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है, तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था, एक न्यूटन वह बल है जो एक किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु में एक मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा रह गया था, इसको याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आता है तो वन न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, फोर्स दे रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछा है, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है, 80 न्यूटन बल, न्यूटन है क्योंकि न्यूटन के यूनिटी क्या, सॉरी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो जो न्यूटन में है वो क्या होगा, फोर्स होगा, मास 40 है, एक्सेलरेशन हमें यहाँ से निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 80 बाई 40 हो जाएगा, ठीक है, 4 दुनी 8 हो जाएगा। अब 2 मीटर पर सेकेंड भी और मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भी है, अब यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, देखिए मास था तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है, और फोर्स की क्या होती है, सेकंड स्केयर होती है ना, तो सेकंड स्केयर हो जाएगा 2 मीटर सेकंड स्केयर, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे।
ओके, वस्तुओं का वह गुण जो उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम बोलते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क में हुए बिना लगने वाला बल क्या होता है? मतलब उस दोनों के संपर्क में बिना लगे जो बल आता है उसको चुंबकीय बल बोला जाएगा। रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैरों व रेतों के बीच क्या होता है, घर्षण अधिक होता है। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल जड़ जाती है, किस कारण से? ये होता है स्थिर जड़त्व के कारण। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जो है यहाँ से मेनली पूछे जाते हैं, तो वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा बल है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है? तो हमने पढ़ा था संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या था कि जहां पर जब हम फोर्स लगाए तो परिणाम क्या आएगा, शून्य आय रहेगा। लेकिन गति कब प्रदान होगी? जब असंतुलित बल होगा, यानी कि जो भी वस्तु है उसकी स्थिति में चेंज आएगा, तो असंतुलित बल हो जाएगा। दो वस्तुओं के संपर्क में हुए बिना लगने वाला बल चुंबकीय बल हो जाएगा। देखिए, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हर वस्तु का क्या कर सकते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हमने एक्सेलरेशन ही पढ़ा था इसमें, फोर्स इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही था। ठीक है, तो ये हो सकता है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर क्या होगी, लगे बल के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, बल के समानुपाती होगी, ये याद रखिएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होना चाहिए, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ता है? ताकि वो जो मोमेंटम है उसको बढ़ा सके। ठीक है, संवेग को बढ़ाने के लिए जो है वो करता है। जड़त्व तो देखिए होगा ही नहीं, ना ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ओके, या तो आवेग बढ़ाने या संवेग। आवेग क्या था? इंपल्स। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। जब मोमेंटम होगी और देन उसके बाद जो चेंज आता है वो होता है आवेग। तो पहले लंबी कूद लगाने के लिए जो पहले दौड़ा जाता है उसको क्यों दौड़ा जाता है, जो मोमेंटम है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम में जो चेंज आता है फिर वो इंपल्स हो जाता है, आवेग हो जाता है। ठीक है, जेट हवाई जहाज के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, किसका जड़त्व अधिक होता है, रबड़ की गेंद का, साइकिल का, पत्थर के टुकड़े का या रेलगाड़ी का? देखिए, रबड़ की गेंद पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वैसे हम उसको इजीली कर सकते हैं, साइकिल को हम धक्का लगाएंगे तो उसको उसकी जगह से परिवर्तन लाया जा सकता है, पत्थर के टुकड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन रेलगाड़ी का जो जड़त्व होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होते हैं तो पीछे की ओर चल जाते हैं, तो ये किसके कारण? जड़त्व के कारण, जिसमें भी हमने अलग अलग पढ़ा था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। तो वही है, अगर आप आगे झुक रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा, और अगर विरामावस्था से गतिशील होती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही है, लेकिन है किसके लिए, जड़त्व के, लॉ ऑफ इनर्शिया के, तो जड़त्व के कारण ये हो जाएंगे। ठीक है, मशीनों में लुब्रिकेंट क्यों यूज किया जाता है? तो घर्षण को कम करने हेतु। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, गेंद की गति की दिशा के विपरीत भी जो है एक बल क्या कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा उस पर। ठीक है, तो उसके रुकने का या धीमे होने का रीजन क्या है, कि जो गेंद की गति की दिशा थी उसके विपरीत कोई जो बल है वो कार्य कर रहा है, इस कारण से वो रुक जाती। तो ऑप्शन सी जो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में के कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फिर बात आती है गुरुत्व बल की। ठीक है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले, जो पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, वृत्तीय गति को बनाए रखने वाला त्वरण सदैव वृत्त के केंद्र के अनुदिश होता है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। दो आते हैं इसमें, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्र बल, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें ये दो क्या है, देखिए, अभिकेंद्र बल क्या होता है, जिसमें जो फोर्स होता है वो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, जो बल होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ, मान लीजिए यहां पर कोई गोल उसमें चीज है। ठीक है, जो बल उस चीज को अंदर की तरफ खींचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र बल कहलाएगा, और जो वर्ताकार उसमें फोर्स केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा उसको हम अपकेंद्री बल जो है बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी
कार में बिल्कुल दरवाजे से चिपक कर बैठा है और वो कार जो है बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, ठीक है। अब मान लो कि कार जो है अचानक तेज स्पीड में थी और किसी मोड़ पर मुड़ना है, ठीक है, तेज स्पीड से ही वो किसी मोड़ से मुड़ रही है, तो जो आदमी वहाँ पर बैठा उसको क्या महसूस होगा? उसे ये महसूस होगा कि वो कार की विंडो को तोड़कर जो है वो बाहर जो है गिर जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर गलती से खुली भी है खिड़की, ठीक है, तो वो क्या होगा, पक्का बाहर की तरफ ही जो है वो गिरेगा। जब वो टर्न करेगी ना स्पीड में मोड़ से, तो वो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा, तो वहां पे अपकेंद्री बल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो फोर्स होता है ये अभिकेंद्र बल जो है, सॉरी अपकेंद्रीय बल इसको बोला जाता है। एक अभिकेंद्र बल हम बात कर रहे हैं, तो अभिकेंद्र बल जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं जिसपे मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उस फोर्स के द्वारा जो बाइक है वो अंदर की तरफ जो है जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो बल होता है जो केंद्र की तरफ खींचता है उसको हम अभिकेंद्र बल जो है बोलते हैं, ठीक। अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, ओके। तो दोनों याद रखिएगा, अभिकेंद्र केंद्र की तरफ और अपकेंद्र केंद्र से बाहर की तरफ जो लगता है फोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसमें कुछ और टर्म्स दे रखे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों अथवा कणों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के क्या होता है, समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वह विश्व में कहीं भी हो, और इस प्रकार के नियम को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक नियम जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई जिसका मास 1 है, ठीक है, और एक वस्तु है जिसका मास m2 है, ठीक है। m1 जो है वो m2 की तरफ जो है क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, और एक तो अगर m1 m2 की तरफ आकर्षित हो रही है तो m2 भी क्या होगी, उसकी तरफ आकर्षित होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये नियम क्या कहता है कि जो फोर्स होता है हमारा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 into m2 के, ठीक है। ये बोला ना गुणन फलों के समानुपाती होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 into m2 के। और इसने क्या पूछा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर यहां पे क्या है, ठीक है, r जो है इनके बीच का डिस्टेंस है, तो उसके क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो बस ये यहां से दो इक्वेशन याद रखिएगा कि f जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 into m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय r स्क्वायर के, ठीक है। तो ये था बस, चलिए आगे। गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु पर लगे गुरुत्व बल को उसमें स्थित एक बिंदु पर लगता हुआ मान कह सकते हैं, यह बिंदु की वस्तु का क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र जो है कहलाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे आकर्षित करती है, वो भार हो जाएगा। तो इसमें कुछ टर्म्स जो है दी गई हैं, प्रक्षेपे है ये, इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशन दी गई है, फिर द्रव्यमान है, मास क्या होता है, या प्रणोद में थ्रस्ट क्या होता है, वस्तु किस तरह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं, दाब है, फिर प्रणोद बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आर्किमिडीज का नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि ये कौन सा नियम कहता है, और ये HSC में पूछा भी गया है पहले। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु को अगर हम पूरी तरीके से एक द्रव में डुबो देते हैं तो उस पर वो जो द्रव होता है ऊपर की तरफ जो है कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो डूबा हुआ भार है और हटाए गए जल का भार जो है यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो जब किसी वस्तु को पूर्ण आंशिक रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए एक मान लीजिए जहाज है, ठीक है, समुद्र में तैरने के लिए उसको जो है लाया जाता है। यदि उस जहाज का जो भार है, अगर उस जहाज ने जो पानी हटाया है, जहाज द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर ना हो तो क्या होगा, जहाज पानी में डूब सकता है। यानी कि जहाज का भार और जहाज ने जो पानी हटाया है, जो जल का भार है, अगर वो दोनों इक्वल है तो ठीक है, अगर वो जल का भार, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार और जहाज का भार अगर बराबर नहीं आते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जहाज पानी में डूब सकता है, ठीक है। इसलिए ही जहाजों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जहाज का भार की तुलना में उसके द्वारा जो हटाए गए जल का भार जो होता है वो ज्यादा होता है। इस तरीके से क्या होगा,
कि जल जो पानी होगा उसके द्वारा जहाज को ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जो है उछाल बना रहेगा, ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगता रहेगा, जिससे जल के ऊपर जो है जहाज तैरता रहेगा। ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज का नियम कि इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल जो है बोला जाता है। तो इसमें भी वही है कि जब हम मान लीजिए पानी में कोई चीज़ डुबो रहे हैं तो उसको वो चीज़ पानी में ना डूबकर ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कोई गुब्बारा है, उसको आप पानी में, पानी है एक बाल्टी में, आप उसमें जो है उस गुब्बारे को डुबाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको डुबाएंगे तो क्या वो पानी में डूबेगा? नहीं। ठीक है, उसको पानी में डुबाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और आपको ये महसूस होगा कि कोई चीज जो है हमें ऊपर की तरफ जो है धकेल रही है, वो जो फोर्स लगता है ना नीचे से, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल जो है बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का नियम। घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व और उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को, यानी कि किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है उसके द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आने से पहले ये देख लेते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर टू जी एच। यहाँ पे सिर्फ जो हमने ग्रेविटी जो है यहाँ पे ले लिया है, पृथ्वी की ओर गिर रही वस्तु के समीकरण हम ले रहे हैं, जहाँ पे हम क्या लेते थे, एक्सेलरेशन लेते थे, वहाँ पर हम ग्रेविटी का यूज़ जो है कर रहे हैं। तो ये बस उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी होती है। और ये देखिए ये आ जाएगा एफ जी वन। ये अब यहाँ से क्यों आया कैसे आया, देखिए मैंने आपको बोला था फोर्स जो होता है, जो भी फोर्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, एम वन इंटू एम टू के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम वन इंटू एम टू के, और दूरी से क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, वन बाई आर स्केयर था। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या बनेगा, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एम वन एम टू बाई आर स्केयर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं, उस कॉन्स्टेंट का को क्या बोलते हैं, जी। तो ये हो जाएगा जी एम वन एम टू बाई आर स्केयर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आया है सॉल्व होके। उसके बाद वेट देखिए, यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ओके, भार, वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी देखिए किस तरीके से निकलती है, गुरुत्वीय स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का अर्धव्यास। ठीक है, बाकी पूछा नहीं जाता, मेनली ये वाली एफ वाली जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी जो है वो दी गई है, सॉरी वैल्यू क्या होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, या लगभग आप बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक। इसमें देखिए 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्केयर होती है। ओके, तो जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपसे गुरुत्वीय त्वरण पूछा है तो यहाँ से स्थिरांक की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, देन पृथ्वी का द्रव्यमान और अर्धव्यास, या फिर इसमें कुछ और पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे जी की वैल्यू चाहिए हमें ग्रेविटी की, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अपेक्षित घनत्व क्या लिख लेगा, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए देखिए, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, गुरुत्व बल। पृथ्वी द्वारा जो किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ये बल पूछा है, तो गुरुत्व बल हो जाएगा। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है बोलेंगे। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अगर उनके बीच की दूरी को दुगनी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, आगे जी का मान जो है हमसे पूछा है कि जी का मान कितना होता है, तो 6.67 10 रेस्ट पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्केयर होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस 11 कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का अर्धव्यास पूछा है लगभग कितना होता है, तो 6.4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 6 मीटर जो है पृथ्वी का व्यास होता है, अर्धव्यास होता है ये। ठीक है, याद रखिए अर्धव्यास। पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण जो ग्रेविटी का मान होता है वो अधिकतम होता है ये पूछा है।
ध्रुवों पर जो है सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, और जो भूमध्य रेखा है उस पर जो है इसका मान कम होता है। तो दोनों याद रखिए, और दोनों ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की अपेक्षा कितना गुणा होता है? तो 1/6 गुणा जो है होता है, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी चीज का भार इतना था तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 से उसको कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो निकल जाएगा वहां से, सिंपल है। वह त्वरण जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, एक मिनट, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है आकर्षित करती है तो उसको बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसमें वेग परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है कहां पर? केंद्र पर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का क्या कहा जाता है? उसे उस वस्तु का भार कहेंगे। और भार मापने के लिए किस तुला का प्रयोग किया जाता है? तो कमानीदार तुला का प्रयोग जो है किया जाता है। यू वी जी टी में क्या संबंध होता है? तो वी इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन में था, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ठीक है। तो यहाँ पे जी टी होता जाता है ए टी की जगह पे, तो यहाँ पे वो ग्रेविटी त्वरण रहता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, गुरुत्व त्वरण जो है रहता है। कोई खिलाड़ी किसी गेंद को क्षितिज के साथ किस कोण पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी पर जा सके? तो 45 डिग्री कोण पर जो उसको फेंकना पड़ेगा ताकि जो गेंद है वो दूर तक जा सके। कौन सी सदिश राशि है यहाँ पे? तो भार जो है वो क्या है? सदिश है, ठीक है। मीन्स क्या कहते हैं सदिश को, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान है उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन भार जो होती है वो हो जाएगी सदिश, द्रव्यमान अदिश होती है, ठीक है। पास्कल को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो पीए से कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर का एसआई मात्रक। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल, लंबवत जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रणोद बोलते हैं, ठीक है, थर्स्ट। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। किसी पतली तथा मजबूत डोरी से बने बैग को पकड़ना कठिन होता है क्योंकि प्रणोद प्रभावित करता है किसको? छोटे क्षेत्रफल को। काटने, चीरने और सुराख करने वाले यंत्र हमेशा नुकीले रखे जाते हैं ताकि दाब जो है वो बढ़ जाए। पानी के घनत्व से डैश घनत्व की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, ठीक है। जिस अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वही चीज क्या करेगी? पानी पर तैरेगी। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुना जो है हो जाएगा उसका, यानी कि आधा किया है तो उसका हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन होगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, ठीक। और अगर दुगुना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, छोटे छोटे हैं, ओके। द्रवों के घनत्व को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक दो पढ़ लेते हैं, बता देती हूँ मैं कि किससे क्या मापा जाता है, कुछ मतलब मापक यंत्र आपने देखा होगा पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोमीटर दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हाइड्रोमीटर को हम जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर का, यानी कि तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए। लैक्टोमीटर क्यों यूज किया जाता है? जो दूध होता है उसकी शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करते हैं लैक्टोमीटर से। वोल्टमीटर है, और एक यहाँ पे ओडोमीटर है। ओडोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? ओडोमीटर किस में होता है? गाड़ी में होता है ना, गाड़ी की स्पीड के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ओके इसके अलावा और भी होती चीज़ें, जैसे एल्टीमीटर होती है, एक एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या होती है? आपने जो एल्टीट्यूड होता है उसको मेज़र करने के लिए, जैसे मान लीजिए विमान कितनी ऊंचाई पर है उसको हम किससे मेज़र करेंगे? एल्टीमीटर को। तो उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एमीटर होता है, एमीटर, ठीक है। और एक गैल्वेनोमीटर होता है,
एमिटर और गैल्वेनोमीटर का दोनों का काम एक ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो कम मात्रा का करंट होता है उसको मेजर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए करंट बहुत ज्यादा है तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, एमिटर से मेजर करेंगे। साथ ही एक और चीज याद रखिए, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कम मात्रा को तो करंट करते ही है लेकिन विद डायरेक्शन मेजर किया जाता है। एमिटर में डायरेक्शन मेजर नहीं करते हैं, सिर्फ विद्युत की धारा को जो है मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हम डायरेक्शन को भी जो है मेजर कर पाते हैं विद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये कम मात्रा में काम करता है। उसके अलावा एक एनीमोमीटर होता है, एनीमो, एक था अल्टीमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्यों यूज करते हैं, जो वायु की गति होती है उसको मापने के लिए, ठीक है। फैथोमीटर है, समुद्र की गहराई हमें अगर मापनी है तो किसका यूज करेंगे, फैथोमीटर का यूज करेंगे, ठीक। तो ये बहुत सारे होते हैं, और भी होते हैं, जैसे स्पिग्नोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, माइक्रोस्कोप होता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, मैनोमीटर है प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसों का जो दबाव होता है उसको मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो और हाइग्रो ये बड़ा वो करते हैं कंफ्यूज। हाइड्रो में तो हम तरल पदार्थ देखते हैं, हाइग्रो में क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता का जो स्तर होता है, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ओके। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। बर्फ पानी में तैरती है, क्यों, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जिस चीज का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वही जो है उस पर तैरेगी। तो इसीलिए बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ तैरती है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए जी, अगला जो आ रहा है वो है वर्क एनर्जी, ठीक है। कार्य, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में गति करे तो कार्य हुआ माना जाता है। तो कार्य क्या हो जाएगा, बल इनटू में विस्थापन। विस्थापन क्यों, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है यहाँ पे। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू एस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये हो जाएगा। ऊर्जा क्या कहती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, काम को किस उससे कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा बोलेंगे, यानी कि एनर्जी जो है उसको बोला जाएगा, ठीक है। आगे अब एनर्जी देखिए, यहाँ पे देखिए, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दो तरीके की होती है। देखिए आगे, गति के आधार पर कार्य करने की जो क्षमता होती है, गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि मींस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको जस्ट यहां पे फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर आती है स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा यानी कि उसकी स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, ठीक है। फिर एक आती है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करते तो हमें मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए आगे, जूल है, यदि एक वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने पर वह बल की दिशा में एक मीटर विस्थापित हो जाए तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, एक जूल होगा, ठीक है। विस्थापन बताने की जरूरत नहीं है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग जिससे ऊपर की दिशा में छोड़ी गई वस्तु पृथ्वी के खिंचाव बल से पलायन कर सके उसको पलायन वेग, यानी कि जो कोई ऊपर से ऊपर गई है वस्तु और वो जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसको बोलेंगे खिंचाव बल से पलायन कर सके, ओके। पावर दिया गया यहाँ पे, वन वाट इक्वल टू, पावर की इकाई पूछी तो वाट हो जाएगी, वन वाट बराबर होता है जूल बटे सेकंड, तो वन जूल अपॉन वन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे एक दूसरे से रूपांतरित और स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ओके। आगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दिया गया है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है बोला जाएगा, ठीक। और ये आकृति में परिवर्तन के कारण जो संचित ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जैसे खींचे हुए रबड़ बैंड में, ठीक है, जैसे हम खींचते हैं ना रबड़ बैंड को, ठीक है, तो वो हो जाती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। एक किलोवाट घंटा ऊर्जा, यदि एक किलोवाट शक्ति के स्रोत का उपयोग एक घंटे के लिए किया जाए तो इसकी ऊर्जा एक किलोवाट घंटा कहलाती है, ओके। चलिए कुछ नहीं था खास, बाकी जो हमने पढ़ लिया मेन यही है आपको, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एम जी एच होती है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एंड एस होता है, पी इक्वल टू वाट बाई टाइम होता है, सॉरी वर्क बाई टाइम, पावर शक्ति, एक जूल बराबर होती है वन न्यूटन इंटू वन मीटर के, वन वोट बराबर वाट बराबर होती है एक जूल, वन जूल बाई वन सेकंड के,
हॉर्स पावर पूछा जाए 746 वोट के बराबर होती है। एक कैलोरी 4.186 जूल होती है। 1 किलो वाट आवर 36 लाख जूल, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं और एक किलोमीटर में 1000 वाट होते हैं। को ओके, कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? वस्तु में विस्थापन और उस पर जो बल, बिल्कुल सही है। कार्य कब होगा? जब उस पर फोर्स लगे और उसमें चेंज भी आए, ठीक है। तो ए और बी दोनों जरूरी है। वस्तु में विस्थापन भी जरूरी है। ऊंचाई पर रखे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? कोई चीज जो ऊपर रख दी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई में रखे किसी पिंड पर। ओके, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत स्त्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडियो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में रूपांतरित करता है। उड़ते पक्षी में कौन सी हो जाएगी? स्थितिज और गतिज दोनों होती हैं, तो इसमें दोनों ही हो जाएगी, ठीक है। इसमें गतिज भी होगी और स्थितिज भी, ठीक है। गतिज ऊर्जा है क्या? गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है। अब ऑब्वियस पक्षी उड़ रहा है तो वो गति तो कर ही रहा है, तो गतिज ऊर्जा तो होगी ही। फिर बात आती है स्थितिज ऊर्जा क्यों है, ठीक है। वस्तुओं में उनकी जो विशेष स्थिति है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे ऊंचाई से कोई झरना गिर रहा है वो हो गया, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब पक्षी उड़ता है तो उसमें दोनों ही ऊर्जा हो जाती है, गतिज भी और स्थित भी, क्योंकि वो ऊंचाई पे भी है और गतिमान भी है, तो दोनों ही है यहाँ पे। ओके, कार्य के लिए W इक्वल टू FS होता है, यानी कि फोर्स इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ओके, न्यूटन मीटर और जूल दोनों होते हैं, ठीक है। तो डी हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? एक मिनट। ओके, यहां पे गलत दिया गया है, ये ए और ए नहीं, ए होना चाहिए था, न्यूटन होना चाहिए था यहाँ पे। बल का मात्रक तो न्यूटन है फोर्स का, ठीक है। न्यूटन मीटर जो है ये कार्य का हो सकता है, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू एस के बराबर होता है। तो यहाँ से फोर्स की क्या आएगी? न्यूटन आएगी। एस की क्या आएगी? मीटर आएगी। तो न्यूटन मीटर निकल जाएगा, तो ये कार्य की होगी। यहाँ पे ये गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे होना था बल का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन मीटर और जूल हो जाता फिर। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? तो वो जूल हो जाएगा। तो वहाँ पे नहीं है आना था क्वेश्चन में। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो उसका कार्य क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है, यानी कि जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती, तो वहाँ पे धनात्मक वो होगा फोर्स। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का न्यूटन मीटर भी होगा और जूल भी होगा, दोनों हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा का उदाहरण जो नहीं है, पहाड़ पर रखा पत्थर, चलती हवा, हवा है, घूमता पहिया भी, बंदूक है, यानी कि जो चीज़ गति में है ऑलरेडी तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी। अब पहाड़ पर कोई पत्थर रखा है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ना कि गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गतिमान नहीं है, तो पहाड़ पर रखा पत्थर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कमान में रखा तीर, गिरता हुआ नारियल, पहाड़ पर रखा पत्र, बंदूक में रखी गोली, तो गिरता हुआ नारियल जो है ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गिरता हुआ नारियल गतिमान है, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब कमान में कोई तीर रखा है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहाड़ पर रखे पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी, बंदूक में रखी गोली में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ओके, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा ये, तो किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही कमी गतिज ऊर्जा में होती है। ओके, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा सही नहीं है। ओके, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा अचर और ये यांत्रिक ऊर्जा के बराबर भी होता है। देखिए, अगर किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सत्य नहीं है, कि अगर एक में कमी है तो दूसरे में भी कमी हो, ऐसा नहीं। एक में कमी है तो दूसरे में वृद्धि होगी। ओके, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो पावर क्या होता है? वर्क इनटू टाइम, ठीक है, W/T होता है, W/T, ठीक है। शक्ति का मात्रक जूल होता है, नहीं सॉरी, शक्ति का पूछा है इसने, पावर का वाट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर और जूल तो ये कार्य के मात्रक हो जाएंगे ना, तो वाट हो जाएगा यहाँ पे।
आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा कब होगी? जब आप, न्यूनतम मात्रा पूछी है इसने, खड़े हो, कुर्सी पर बैठे हो, धरती पर बैठे हो या धरती लेटे होंगे, तब जो है स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल कम होगी। ठीक, खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक, जब कार्य नहीं होता है तो गति की दिशा में समानांतर बल का घटक न होने पर, मतलब कब कार्य नहीं होता है इनमें से देखो, लकड़ी के की में जब हम कील ठोक रहे हैं तो वैसे वहां पे कोई काम हो रहा है। ठीक है, बक्से को फर्श पर खिसकाने पर, जब हम फर्श पर खिसकाएंगे उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें वैसे क्या होगा, विस्थापन भी होगा। तो जब फोर्स भी है विस्थापन भी है तो ऑब्वियस है जो वर्क है हमारा वो डन हो रहा है। कुटी पर लटकाया एक भार भी हो जाएगा, लेकिन गति की दिशा में समानांतर बल का घटक न होने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी अन्य द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है उसका संवेग क्या होगा? एम क्या है यहाँ पे? मास है। वेग वी है, तो संवेग पूछा है यहाँ पे क्या होगा। संवेग क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम वी, एम वी तो है ही, फिर हाफ एम वी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्केयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हाफ एम वी स्केयर जो है यहाँ से सही होगा। चलिए अगला देखिए, ध्वनि वाला है, साउंड जो एनर्जी होती है, जो घंटी की ध्वनि होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? मैकेनिकल होती है? नो, लाइट एनर्जी नहीं होती, हीट नहीं होती, क्या होती है, साउंड एनर्जी होती है, तो ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। अगला है, ध्वनि निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? रगड़ने से, टकराने से, पीटने से, कंपन से। तो किसके कारण होती है? कंपन से। ध्वनि किस में से ट्रेवल नहीं करती? निर्वात, जो वैक्यूम होता है उसमें से नहीं करती ध्वनि, ठोस में से जाती, गैस में से जाती, द्रवों में से जाती, लेकिन निर्वात में से कभी भी ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है। ओके, तरंग पूछा है यहाँ पे, जो वेव होती है वो कैसी होती है? विक्षोभ है। उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च दाब के क्षेत्र को बोला जाता है संपीड़न। ओके, किस में ध्वनि की गति सर्वाधिक, जो ठोस चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा होती है, तो स्टील है यहाँ पे, तो स्टील में हो जाएगी। ध्वनि संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम कौन सा है? जो सामान्य माध्यम है वो है वायु। जल में उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं? जो तरंगे जल में उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो तरंगे जो होती हैं दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव जिसको हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, और दूसरी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो होती हैं। और यहाँ पे पूछा है जो जल में उत्पन्न तरंगे होती हैं, देखिए जब किसी माध्यम के द्वारा तरंगे उत्पन्न होंगी तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे जो है बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जल में उत्पन्न तरंगे कौन सी हो जाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगे जो है हो जाएंगी। ठीक, तरंग संचरण में स्थानांतरण होता है किसका, ऊर्जा का होता है। तरंग वेग का एसआई मात्र मीटर पर सेकंड। किसको लैम्डा द्वारा, तरंग दैर्ध्य को जो है हम लैम्डा के द्वारा जो है शो करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है ठोस गैस द्रव सभी में होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है ठोस और द्रवों में, देखिए अनुदैर्ध्य सभी में उत्पन्न होती है ठोस द्रव और गैस, जो अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सिर्फ ठोस और द्रवों में उत्पन्न होती है, गैस में नहीं होती है। ओके, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ, यानी कि प्रकाश जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, किसी ध्वनि की आवृत्ति 100 Hz है, आधे घंटे में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो 180,000 बार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है मीटर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्तिकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहा जाता है? आयाम कहते हैं। ए के द्वारा किसको निरूपित किया जाता है? तो आयाम को निरूपित किया जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण को स्वर कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। किस माध्यम पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? तो एल्यूमिनियम पर होगी। किसी द्रव में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है?
तो वो समुद्री जल की होती है। किस गैस में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक होती है, तो वो हाइड्रोजन में होती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया पहले, तो कितनी देर तक बनी रहती है 0.1 सेकंड तक। ओके, किसकी को कम करने के लिए भवनों की दीवारों और छतों पर ध्वनि और शोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, अनुरणन को कम करने के लिए। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक स्रोत की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि प्रावर्तन सिद्धांत का उपयोग मेगाफोन हॉर्न में, स्टेथोस्कोप में, कंसर्ट हॉल, इन सभी में किया जाता है। मनुष्य में ध्वनि की श्रावणता, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, 20 से 20,000 हर्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग और आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित, तो वी इक्वल टू म्यू लैम्डा होती है ये, ठीक है, यू लैम्डा। आगे लाइट का तिरखा है, प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। टॉर्च का प्रकाश लाइट हाउस की सर्च लाइट, वॉनर के हैंडपम्प हैंड लैंप से आता है प्रकाश किरण पुंज के उदाहरण है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा के अनुदिश क्या करता है, गमन करता है। चमकदार जो पृष्ठ होते हैं, जो चमकने वाली जो सतह होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, दर्पण बोलते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर दिया जाएगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा, और जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जाए उसको आभासी प्रतिबिंब जो है बोलते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी होता है, आभासी होता है और आकार में बिंब से छोटा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तु को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस भी जो है बोला जाता है। अवतल लेंस, यहाँ पे देखिए पहले बात हुई दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण में जो बना वो आभासी, सीधा और आवर्धित था। उत्तल दर्पण में क्या बना, सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा था। उत्तल लेंस में जो अवतल दर्पण में बना था आभासी, सीधा और आवर्धित, वो उत्तल लेंस में बना है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा, यानी कि जो उत्तल दर्पण में बना था वो अवतल लेंस में बन रहा है, जो अवतल दर्पण में बन रहा था वो उत्तल लेंस में बन रहा है। ओके, श्वेत जो प्रकाश होता है ये सात वर्णों का मिश्रण होता है और इंद्रधनुष सात रंगों का बना होता है, ठीक। आगे देखिए, ये देखिए समतल दर्पण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैच करना था। समतल दर्पण क्या करता है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है और बिंब के साइज का प्रतिबिंब जो है बनाता है। यानी कि समतल दर्पण के सामने हम जो कोई चीज रखेंगे तो वो एक तो हमें सीधी दिखाई देगी और जो उसका साइज होगा वो हमें एज इट इज दिखाई देगा, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। उत्तल दर्पण है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब जो है बन सकता है। उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति यूज होता है। अवतल दर्पण जो दंत चिकित्सक होते हैं उनको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस बनाता है, ठीक। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ओके, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है, सीधा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहे। मान लीजिए यहां पर कोई दर्पण है, यहां पर मैंने कोई रखी वस्तु, ठीक है, तो जो वो दर्पण में दिखेगी वो उतनी ही पीछे दिखेगी, जितना डिस्टेंस इन दो के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है, प्रावर्तित होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। तो ये समतल दर्पण के सारे हैं, अगर कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो कोई भी आप इसमें से मतलब पांचों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए हो गया ये, ओके। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिया, देखिए यह लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। देखिए यहां से ये मोटा है और किनारों से क्या है, पतला है। और अवतल लेंस क्या होता है, बीच से पतला होता है और किनारों से ये मोटा हो जाता है। उत्तल लेंस मान लीजिए बिल्कुल महीन अक्षर है तो बड़े करके दिखाई देंगे, बड़े करके जो है हम इसको देख सकते हैं। अवतल लेंस में हमें अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और यह प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। ये एक बिंदु पे उसको केंद्रित करता है और ये उसको प्रकाश को क्या कर देता है, अवतल लेंस बिखेर देता है, ओके। अब यहां पे बात आ रही है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है और इसमें आभासी और सीधा बनता है। उत्तल में लेंस को बाई तरफ हिलाओ तो प्रतिबिंब दोनों तरफ गति करता है और लेंस को बाई तरफ हिलाओ तो प्रतिबिंब भी बाई तरफ ही हटेगा। इसमें दोनों तरफ होता है, इसमें एक तरफ होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी पॉइंट यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
वस्तुओं को दिखाने में कौन सा आएगा? प्रकाश के द्वारा ही जो है हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। कौन सा तल दर्पण की भांति कार्य, देखिए जल के पृष्ठ दर्पण की भांति काम करेगा, हम अपनी जो जब भी चेहरा वगैरह उसको देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील से बने चम्मच बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें से भी दर्पण की भांति काम करेगा। पॉलिश की हुई चीज से भी कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक में से हम पुस्तक मतलब पुस्तक का जो पृष्ठ होता है वो कभी भी दर्पण का काम नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। दर्पण प्रकाश का डैश करते हैं, दर्पण प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं? दर्पण परावर्तन करते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन नहीं करता है वो करता है उत्तल उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण तो करते हैं, उत्तल लेंस नहीं करता है। दर्पण कोई भी हो, परावर्तन करने का काम किसका है? दर्पण का है, चाहे वो उत्तल दर्पण है, अवतल है, समतल है, लेंस जो होगी वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिए जब प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश है, वो किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम से वापस लौट आता है, तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चमकीली सतह या दर्पण पर जब प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक जो होती है हमें भी दिखाई कर देती है, यानी कि वो टकरा कर वापस से उसी माध्यम से क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण पर कोई लाइट वगैरह मारते हैं तो वो प्रकाश जो होता है वापस से, मतलब वापस भी जो है उसी माध्यम से आता है, तो इसीलिए कहा गया है कि दर्पण जो होते हैं उनमें से प्रकाश का परावर्तन होता है लेकिन लेंस में से नहीं होता है। ओके, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं, देखिए सीधा होता है, वस्तु का आकार बिल्कुल वही रहता है और पार्श्व होता है, ये हमने पढ़े हैं तीनों पांचों पॉइंट उसमें। उल्टा जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सीधा बनता है प्रतिबिंब। डैश से बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उत्तल एवं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा, ऑब्वियस है, ये हमने पढ़ा था, तो 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखती है, रखी है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखिए पहले उसका प्रतिबिंब 15 मीटर की दूरी पर बनेगा, 15 ये हो जाएगी, 15 30 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी उसमें। रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस के शब्द के कौन से अक्षर बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देंगे? तो ए और बी दोनों के अक्षर, तो देखिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होता है वो कुछ उल्टा लिखा होता है लेकिन उसमें किस किस सी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम रहती है। देखो ए आपको ऐसे थका ऐसा मिलेगा, ठीक है, ए फिर यहाँ पे एम होता है, ठीक है, तो ए एम दोनों होते हैं, फिर बी जो है ये उल्टा करके लिखा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर यू है, यू की पोजीशन भी बिल्कुल वही होती है, सेम होती है, यानी कि ए भी वही, एम भी वही और यू भी वही। फिर आता है एल, एल भी जो है उल्टा होता है इसमें, इस तरीके से होता है, वैसे हम एल ऐसे बनाते हैं ना, बट इसमें एल इस तरीके से होता है। एम्बुलेंस आप देखिएगा, ए ए फिर वही सेम पोजिशन, एन भी जो है इसमें उल्टा बना होता है कुछ इस तरीके से। एम्बुलेंस सी, सी भी उल्टा होता है, नहीं एन एन की पोजीशन वही हो जाएगी, हाँ एन भी सेम ही रहेगा और ई भी जो है उल्टा होता है, तो एन भी एन और क्या कहते हैं ए एम यू एन ये वाले जो हैं ये सेम रहेंगे, ऐसे कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दिखाई देता है वस्तु का, क्या दिखाई देता है वस्तु का? दक्षिण वाम, वाम दक्षिण, तो दोनों ए और बी दोनों। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें कुछ और भी हैं, ये वो ये हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश में स्वयं नहीं दिखाई देता बल्कि वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। दृष्टि हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय, प्रकाश का किसी चमकदार पल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश परावर्तन कहलाता है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होती है, जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश के नियमित पृष्ठों प्राप्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन जो है बोला जाता है। विस्तृत यानी अनियमित परावर्तन ये खुरदरे पृष्ठों से होता है, जो चमकदार उससे होगा ना चिकने पॉलिश से उसको नियमित, और जो खुरदरे पृष्ठों से होगा उसको अनियमित परावर्तन बोलते हैं। दो नियम होते हैं इसमें, आपतन कोण जो होता है इसमें परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित कोण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में जो है होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, जो हम ऊपर देख रहे पढ़ रहे थे अभी। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाते हैं, सात रंग कौन से हैं? विबग्योर, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, इस तरीके से। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने को विक्षेपण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जब अलग अलग रंगों में विभाजित होता है इसको विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुषी उदाहरण इसका, हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग दिए गए जैसे कॉर्निया है, आयरिस है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है, द्रक है, तंत्रिकाएं हैं, ये सब क्या है? नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते, यानी कि अगर आपके आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूर की और पास की सभी वस्तुओं को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का यूज करके चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पर लिख सकते हैं, और ब्रेल पद्धति के जनक लुई ब्रेल थे जो स्वयं नेत्रहीन थे। ठीक है,
तो बस ये पॉइंट याद रखिएगा। डैश सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री है, तो दृष्टि है हो जाएगी। चमकदार पृष्ठ जो होते हैं दर्पण की बाती कार्य करते हैं। प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रावर्तन कहलाता है। किसका संवर्धन संबंध प्रावर्तन से नहीं है, तो अपवर्तित किरण का नहीं है, प्रावर्तित का है, आपतित का है और अभिलंब का है। आपतन कोण में प्रावर्तन कोण में क्या संबंध है कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों कोण प्राय बराबर होते हैं। कौन सा कथन प्रावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित कोण प्रवर्तित व अभिलंब किरण एक तल पर होते हैं, ये दूसरा नियम है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता सीधा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल आकार की होती है और पीछे की तरफ बनती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखिए उतनी दूरी पर जो है उसकी इमेज बनेगी। समतल दर्पण को का प्रतिबिंब सीधा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी होता है, बिल्कुल सही है। दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, बायां भाग दायां तरफ और दायां भाग बाईं तरफ जो है दिखाई देता है। कौन सा तल विसरित प्रावर्तन करता है, तो चाक पाउडर, ईंट से बनी दीवार और कपड़ा, ठीक है। नियमित प्रवर्तन समतल दर्पण पोषण इसके अंदर चमकदार तल, उपरोक्त से भी हो जाएंगे। दीप्त पिंड नहीं है जो इसमें, वो हो जाएगा चंद्रमा, बाकी है मोमबत्ती की ज्वाला, सूर्य, विद्युत लैंप, दीप्त पिंड है। परिदर्शी का उपयोग होता है, उपयोग नहीं होता है, पंडुबी में होता है, टैंकों में होता है, बंकरों से बाहर देखने में होता है, आकाशीय पिंडों को देखने में नहीं किया जाता है। दर्पण को किसी कोण पर रखकर उनके प्रतिबिंब बनाने की धारणा उपयोग में लाई गई थी केलाइडोस्कोप में। वस्त्रों के डिजाइन बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं बहुमूर्ति दर्शी को। हमारे नेत्र का जो भाग नहीं है, तो परितारिका लेंस और कॉर्निया हमारे नेत्र में होते हैं, दर्पण नहीं होता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बना रहता है वो कितने टाइम तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक बनता है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि नेत्र के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। प्रकाशिक साधन जो नहीं है, तो सीडी नहीं है, बाकी सारे हैं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी, हेलन ए केलर के द्वारा लिखी गई थी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखिए ये बनता है दृष्टि पटल पर, हो जाएगा दृष्टि। प्रिज्म में से गुजरने वाले प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस कैसा होता है, तो उभयतल होता है, ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला होने का कारण किससे होता है, प्रकीर्णन से होता है, क्योंकि प्रावर्तन हमने पढ़ लिया कि जब तैसे टकरा कर वापस आता है, विक्षेपण हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जब वो रंगों में विभाजित हो जाता है, तो बचा क्या हमारा, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन से जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर बनी कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है, तो अभिनेत्र लेंस जो होता है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है बनाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये भी प्रकीर्ण। आकाश का रंग लीला पूछे, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल पूछे, दोनों ही किसके कारण होते हैं, प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ओके, जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो वही यही है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह कौन सी है, तो वह दृष्टि पटल है। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सबसे ज्यादा होती है, तो मिथेन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है बायोगैस में। ओके, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, मतलब जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त होना का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो जब उसका वेग और दिशा बदल जाती है, यानी कि जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो जो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है, इसको छोड़िए। दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता, देखिए दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है कि उसको सिर्फ दूर की वस्तु दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसको निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती निकट की वस्तुएं, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास के आकाश का रक्त ताप परिवर्तित होने का कारण मुख्य कारण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलो वॉट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल कह सकते हैं या वाट सेकंड कह सकते हैं, तो दोनों ही है। ओके, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक।
चलिए, किसी व्यक्ति के नेत्र के क्रिस्टल लेंस का धुंधला होना नेत्र के किस रोग को दर्शाता है? लेंस जो धुंधला हो जाता है इसको बोला जाता है मोतियाबिंद। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ये भी अपवर्तन होता है। ठीक है, सूर्यास्त होना, सूर्य उदय होना, ये जल्दी होना मतलब, और तारों के टिमटिमाने, दोनों में क्या आएगा? अपवर्तन आएगा। ठीक, कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? शक्ति मतलब पावर। P इक्वल टू VI भी होता है, VQT भी होता है, I स्केयर R भी होता है। I स्केयर RT नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है एग्जाम में, पूछ याद रखिएगा। कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, परंपरागत पूछा था यहाँ पे। वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो तो किस रोग से ग्रसित होता है? तो वो रंगांधता, मतलब रंगों की पहचान नहीं कर रहा है ना वो, तो मोतियाबिंद में तो आंख में वो जम जाती है धूल सी, तो वो होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताकरण पर कासी कौन सी किरणों का ज्यादा प्रकीर्ण होता है? तो नीले रंग का। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्मित निर्भर करता है किस पर? उसके चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो उपरोक्त सभी पर हो जाएगा। किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर किसका अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? जब प्लेट को ऊंचाई से गिराया जाएगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिमान है कोई चीज, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती दूर की वस्तुएं, बिल्कुल सही है। अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है अपवर्तन। कौन सा यंत्र विभाव अंतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये यूज करते हैं हम वोल्टमीटर का। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा प्रावर्तित तो हो जाती है किसमें? उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों में होती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को नहीं दर्शाता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो नहीं दर्शाता वो है आई स्क्वायर बाय आर। आई स्केयर आर दर्शाएगा, वी आई दर्शाएगा, वी स्केयर बाय आई स्केयर बाय आर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा नहीं है। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ये याद होना चाहिए बस। आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसको कहते हैं पुतली। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, ये हमने पढ़ा नहीं, बल्ब वाला, शक्ति वाला। ओके, किसी विद्युत बल्ब का अनुयातांक दिया 220 वोल्ट और वाट में। जब इसे 110 वोल्ट पहुंचते तो इसके द्वारा कितनी शक्ति कितनी होती है? तो 50 वोल्ट जो है आ जाएगी। ओके, जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण जो नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग तो प्रकीर्णन। जो पुतली के आकार को नियंत्रित करे प्रीतारिका। जो पुतली के आकार को नियंत्रित करे, याद रखिएगा ये चार, तीन से चार जो भी आए हैं, प्रीतारिका। एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोगिता क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मिथेन की होती है। देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रकीर्णन से वह पतली सिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोला जाता है। यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोगिता उतनी ही रहेगी। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो सौर ऊर्जा होती है। वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ है तो वो रंगांधता से ग्रसित होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। ये वही क्वेश्चन है, सेम 50 वोल्ट रहेगा नाभिकीय ऊर्जा। ओके, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए दूरी 50 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। ये विद्युत शक्ति का है तो आई आर स्केयर था। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। ओके, अगला है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तदाब प्रतीत होने के कारण प्रकाश की कौन सी किरणों का ज्यादा प्रकीर्णन होना? तो नीले रंग का होना। नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करे प्रीतारिका। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा। तो ये थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी टॉपिक था इंपॉर्टेंट वो भी हमने इसमें डिस्कस किया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Thank you so much.